नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं भाई दुबई के बारे में। जी हाँ भाई, दुबई यूएई के बारे में। जी हाँ, आपको सबको पता भाई, फ्लाइटें बंद हो गई। 22 अप्रैल को घोषणा हुई, 24 अप्रैल को फ्लाइटें रात को 12 बजे से बंद हो गई। 24 अप्रैल रात को 12 बजे तक जो लोग पहुंचने थे वो पहुंच गए। जी हाँ, हालांकि जैसे ही सरकार ने घोषणा करी, यूएई की सरकार ने, कि हम रात को 12 बजे तक 24 अप्रैल को फ्लाइटें इंडिया के लिए बैन करने वाले हैं। फ्लाइटें, जो फ्लाइट 8,000 10,000 की आ रही थी, डायरेक्ट 50,000 में पहुंच गई। जी हाँ, लोगों ने मतलब बोले भाई हमारी टिकट दो, आप कल की दे दो। 22 अप्रैल को जो लोग टिकट बना रहे थे, 50,000 60,000 लो, हमें दुबई पहुंचना है जैसे तैसे करके। जी हाँ, 8,000 की टिकट 50,000-60,000 तक लोगों ने चुका के दो दिन के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग पहुंचे। जी हाँ, ब्लैक में टिकट एक तरीके से, हालांकि इसको ब्लैक नहीं बोल सकते क्योंकि ये अचानक होता ही है भाई। कोई चीज़ की कंट्रोल कर लेती है ना सरकार, तो उसके भाव फिर ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। जी हाँ, अब कोविड में यार किसने गोल्ड खरीदा था, कितने लोगों ने खरीदा था गोल्ड 2020 में, देखो कहाँ 35-36 हज़ार गोल्ड था जो पहुंच के 55,000 पहुंच गया। लेकिन वही है, जिस चीज़ में जो कंट्रोल होता है तो ऑटोमेटिक भाव बढ़ जाता है। तो यही सेम दुबई में हुआ। दुबई के लिए फ्लाइटों में 5 गुना 6 गुना लोग ज़्यादा टिकट के पैसे दे के गए, लेकिन फिर भी दो दिन में भाई पूरी इंडिया के लोग तो नहीं जा सकते, बहुत सारे लोग रह गए। जी हाँ, लेकिन काफ़ी सारे हज़ारों की संख्या में लोगों ने टिकट बुक कर रखी थी। सबको पता ही है, आपके पैसे लोगों ने कई 15 दिन पहले एडवांस ले लेते हैं, कोई 20 दिन पहले, कोई 5 दिन पहले, कोई 7 दिन पहले। एवरेज अगर देखा जाए तो 5 दिन से लेके 1 महीने के दौरान काफी सारे लोग एडवांस टिकट बुक करते हैं ताकि थोड़ा टिकट सस्ता मिल जाए। जी हाँ, मन के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से टिकट मिल जाए। जी, अब अचानक से फ्लाइट 24 अप्रैल से बंद हो गए, आने वाले 10 दिन तक रोक है, लेकिन ये रोक आगे मई में बढ़ेगी। टेंशन लेने आपको नहीं लगना चाहिए कि टिकट 10 दिन के बाद फ्लाइटें स्टार्ट हो जाएगी, नहीं होने वाली है, क्योंकि कोविड की वजह से कुवैत सरकार ने रोक लगाई है और कोविड 10 दिन में 3 लाख से आंकड़े खत्म नहीं होने वाले हैं, ये बढ़ने वाले हैं, अप्रैल मई तक ये बढ़ेंगे। जी हाँ, तो आपको पता है भाई, यूएई की जो फ्लाइटें हैं, मैं बता दूं, फ्लाई दुबई है, इमरेट्स है, एथियात एयरवेज है, इन लोगों की जिन्होंने फ्लाइट बुक की है, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से घोषणा कर दी है कि भाई आपने जो टिकट का पैसा दिया है, आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि अब से लेके 36 महीने तक आप कभी भी अपनी टिकट यूज ले सकते हैं, तो ये एक अच्छी बात है, आपने टिकट के पैसे दिए हैं, टिकट आपके पास है, फ्लाइटें बंद हो गई, तो इंडिया की फ्लाइटें तो नहीं है कि आपको अब तक 2020 का पैसा नहीं मिला है भाई, दुबई की फ्लाइटें हैं, पैसों का आपका समाधान होगा तुरंत प्रभाव से। इन्होंने कर दिया कि 36 महीने तक आप कभी भी अपनी टिकट इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी भी आप जा सकते हैं, टिकट को आप एक्सटेंड करवा सकते हैं जिन्होंने 1 अप्रैल से टिकट को बुक किया है। ठीक है, ये एक अच्छी बात है। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि भाई कभी भी आपको जाना है तो टिकट में समय के हिसाब से बदलाव कर सकते हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं होगी, या फिर आपको लगता है कि हमें जाना नहीं, तो आप अपने टिकट का पैसा रिफंड ले सकते हैं। जी हाँ, अच्छी बात है। दुबई की तीनों फ्लाइटें हैं भाई, फ्लाई दुबई में जिन्होंने टिकट बुक करवाया है, इमरेट्स में जिन्होंने टिकट बुक करवाया है, एतिहाद में एयरवेज में जिन्होंने टिकट बुक करवाया, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने 2-3 ऑप्शन दे दिए हैं, टिकट में आप बदलाव कर सकते हैं, 36 महीने तक कभी भी टिकट को यूज़ ले सकते हैं, या फिर आप अपना पैसा वापस रिफंड ले सकते हैं। जी हाँ, आपको जो भी उचित लगे, आपने जिन्होंने इनसे टिकट किसी भी देश के कहीं पर भी आपने टिकट बुक करवाई है, चाहे आप दुबई से इंडिया आ रहे हैं, चाहे आप इंडिया से दुबई जा रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। हालांकि वो एक टाइम था 2020 में मार्च में जिन्होंने टिकट बुक करवाई थी इंडिया की फ़्लाइटों में, आज तक लोगों को पैसा नहीं मिला है। जी हाँ, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है।